मतदाता ब्रजेश मिश्रा ने महागठबंधन का चेहरा रहे इस पूरे चुनाव में यानी कि तेजस्वी यादव से खास बातचीत की है। बाढ़ की अपने क्या व्यवस्था की अब तक कोई देखने नहीं आया, वोट के समय आप वोट मांगने आएंगे। मजदूरों को इन लोगों ने छोड़ दिया, मुंह फेर लिया था। बिहार में चुनावी पारा गर्म है और हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव, जो अभी तक 200 रैलियां उन्होंने कर ली है और एक दिन में 17 रैली करके लालू यादव का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तेजस्वी जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए सबसे धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये उठता है क्योंकि आपने एक रोजगार का मुद्दा उठाया है और सभी पार्टियों ने कमोवेश अपने घोषणा पत्र में उसको जोड़ा, लेकिन शक ये है कि क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि तेजस्वी यादव खुद अपना बेरोजगारी खत्म करना चाह रहे हैं और लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं 10 लाख का, ऐसा असंभव है? देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं कहने को, इनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। 15 साल में इन्होंने क्या किया और हम जो कह रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं, नौकरी रोजगार में अंतर होता है। 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं और ये सच होने वाला है। कैसे? 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, खाली हैं, वो आप भी आंकड़ा देख सकते हैं, विजिबल है, कहीं भी मिल जाएगा। शिक्षा डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का 60% वैकेंट खाली हैं, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट्स में जो संख्या बल होनी चाहिए वो नहीं है। 4.5 लाख ये 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने में, मतलब आप जितनी आबादी है उसी हिसाब से डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, क्लर्क होने चाहिए जो सपोर्टिंग स्टाफ्स में हैं, प्यून होना चाहिए, चपरासी होना चाहिए। 1 लाख आबादी पे 77 पुलिसकर्मी हैं बिहार में, जहां मणिपुर पे 1 लाख की आबादी पर 1000 से ज़्यादा हैं। तो अगर हमको ये सिर्फ नौकरियाँ ही नहीं दी जाएंगी, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर बनाएगा, ये जो है आपके यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं होते, समय पे परीक्षा नहीं हो पाती है, ग्रेजुएशन में 3 साल से ज़्यादा लग जाता है, 5 साल 6 साल कोई समय सीमा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से आप इन डिपार्टमेंट्स को जो कोई काम नहीं कर पा रही है, बजट का पैसा तक खर्च नहीं कर पा रही है, आप इनको रिवाइव करिएगा। लेकिन लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो 4.5 लाख का तो ऑलरेडी प्लान बजट में है क्योंकि वो वैकेंट पोस्ट है। 5.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार, कुल बजट 2,13,000 करोड़ का, उसमें केवल 60% खर्च कर पाती है, 40% नहीं खर्च पाती, यानी 40% 80,000 करोड़ बन जाता है, तो पैसा तो है ही। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं कहते हैं कि तो उनको बात पच नहीं रही कि तेजस्वी यादव तो बहुत सतही बातें पहले करता था, ये आंकड़ों पे अब घेर रहा है सरकार को। अभी विधानसभा में एक मेरा पहला भाषण जो नेता प्रतिपक्ष का हुआ, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अंतिम भाषण भी जो हुआ कोरोना काल में विधानसभा का, हमने आंकड़ों की बात की, उसमें भी कोई जवाब नहीं दे पाए। तो ये अब पर्सनल अटैक कर रहे हैं, हालांकि जो है आशीर्वाद के रूप में हम लेते हैं और ये हमारी जीत है, लेकिन ये बात उनको समझना पड़ेगा कि 15 साल से बीजेपी और जेडीयू सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, पटना के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके आपका भारत सरकार, बिहार सरकार, सब आपके अंतर्गत आता है, लेकिन बिहार को आप अधिकार नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, बाढ़ की आपने क्या व्यवस्था की, आकलन तक नहीं करने आए, जो अभी 18 जिले 85 लाख लोग आबादी जो प्रभावित रही, अब तक कोई देखने नहीं आया, वोट के समय आप वोट मांगने आ गए। मजदूरों को इन लोगों ने छोड़ दिया,
मुंह फेर लिया था। देखिए, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है। लोग जो है नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन उनका कहना है कि चलिए शांति तो है, जो पुराने लोग जो राज देख चुके हैं, तो खासकर सवर्णों की अगर बात करें, जो आपसे बितका हुआ है कि भाई पुराना राज तो नहीं आएगा, तो क्या गारंटी आप देते हैं? जितने स्वर्णों को लालू जी ने सम्मान दिया, जितने मंत्रिमंडल में रहे, आज है क्या? आप देखिए, प्रोपेगेंडा एक चलाया गया, परसेप्शन जो है वो किया गया। अगर जंगल राज है तो आप आंकड़ों पे बात कीजिएगा ना। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि नीतीश जी और बीजेपी के शासनकाल में अपराध बढ़े हैं। क्या अभी हत्या नहीं हो रही है? रेप नहीं हो रहा? लूट नहीं हो रहा? अब तो पुलिस वाली, आपने मुंगेर की घटना देख लीजिए, जनरल डायर की याद दिला देता है। ये क्या है? ये कौन सा राज है? तो आप तो देखिए, हम तो 18 महीने बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब जंगल राज नहीं था। मेरे काम को बताइए ना आप, 18 महीने की चर्चा कीजिए, उन 18 महीने के आंकड़े भी निकालिए एनसीआरबी से, और अब उसके बाद के सरकार का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़े। तो ये सिर्फ जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, उपलब्धि नहीं है 15 साल की, भय दिखा करके लोग जो हैं असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। डबल युवराज, जंगल राज के युवराज, औरंगजेब क्योंकि आपने लालू यादव का पोस्टर हटा दिया, इस तरीके से आपको कहा जा रहा है बच्चा, अनुभवहीन, नहीं कुछ कर पाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा सम्मान है उनके प्रति। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग जो भी कह रहे हैं मेरे लिए आशीर्वाद के बराबर हैं। लेकिन हाँ, बिहार जानना चाहता है नीतीश कुमार जी से कि आपने किया क्या? पलायन नहीं रोके, गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं मिटाई, कारखाना नहीं खोला, नौकरी नहीं दी। और हाँ, देश के प्रधानमंत्री से भी बिहार के लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए वो क्या करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.